नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवत वासुदेवा ओम नमो भगवत वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय भैया राम राम हमें बुंदेली चुगल से पंडित नीरज और चुगली बाबा आज गुरु को ज्ञान लेके हम आए हैं और हम बता दें कि जो अब नव कार्य का हमने शुरू कर है गुरु को ज्ञान हमें लगो आदमी विपदन से आपदन से बीमारियन से ग्रह दोष से क्लेश से झगड़न से सबसे परेशान है और आदमी की हैरानी कैसे खत्म हुई है ई के लाने बड़ी चिंता हमें हो रही थी केवल आदि अपराध करें हम गा दें हम खबर सुना दें आदि शैतान करें हम सुना खबर सुना दें ई में को समाधान नहीं है सामाजिक रूप से भी कई बार ऐसी बातें आई हैं कि जब जब ऐसी स्थिति समाज में बनी है तो गुरुवन को ज्ञान कामयाओ शास्त्रन को ज्ञान कामयाओ वेद पुराणों को ज्ञान कामयाओ सोया गुरु के ज्ञान में ई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें शुरू कर रहे हैं कि आज इनके छोटे छोटे उपाय से जो बता सकत कि जीवन कैसे अच्छो बनाया जा सकत कैसे विविधता से हर सकत कैसे समस्या को समाधान कर सकत ये एक अच्छे अचूक उपाय है भैया और जो हमने नहीं पैदा करे हमने मुँह से दिमाग लगा के या हम तो मार रहे जे गुरु अन्य संत अन्य ज्ञान इतना दो है चीज़ें कि निकल के आई हैं उन चीज़ें के हमने संकलित करके जो जरूर लगो के बुंदेली चुगरी की जो हज़ारों दर्शक हैं इन तक जा बात पहुंचे भैया तो ये बात गुरु के ज्ञान में हम खाना और सब चीजें जोड़ रहे हैं और सेहत से जोड़ रहे हैं जीवन कैसे प्रबंधन आदि को मानव जीवन होते हैं हर आदमी आजकल का ही से परेशान है वो मनमुख होगा मनमुख से मतलब कि वो अपने मन की सुनत बुद्धि ज्ञान आत्मा की बातें ना तो बुद्धि की सुनत ना आत्मा की वो सुनने ही नहीं है मनमुख होगा और मनमुख होवे से आदमी के जीवन में क्लेश और विविधाएं आ रही है ब्रह्म वेद तो पुराण है हमारे के तो पुराण रखे हमारे ऑफिस में कौन मई स्टूडियो में देखियो सब पुराण रखे वो पुराण में जो जो चीजें लिखी हैं वो हम हमें संकलित करो है और ई में आए कि घर में शांति रहे जीवन सुखमय रहे को नुकसान ना हो ई के लाने बहुत छोटे चोड़ छोटे उपाय हैं उपाय जो है कि भैया अगर घर में विवाद हो रहा है कलह हो रहा है नकारात्मक ऊर्जा घर में भरी है तो ई के लाने केवल एक काम करने हर अमावस्या के अमावस्या के दिन जो डंगरिया वालों नमक नहीं हो नॉन डंगरिया वालों समुद्री नमक वह पानी में डाल के घर में पोछा लगा लो या गौमूत्र डाल के पोछा लगा लो घर से नकारात्मक तो ऊर्जा खत्म हो जाए इसके अलावा घर में कोई भी टूटी फूटी चीज़ें ना हो कमाड़ रद्दी को सामान ना हो टूटे फूटे बर्तन ना रखो अगर है तो वह अलग कर दो अगर नहीं अलग कर पा रहा तो दे दो बेच दो लेकिन घर में जी चीज़ें न रखो से इसे नेगेटिव एनर्जी घर के भीतर आते इसके अलावा एक और हो का का हो रहा कि जैसे अपन कोई जन कहा अपने बेडरूम में होती श्रृंगारदान रख लीजिए कहा ड्रेसिंग टेबल और वही में जब परत है तो वही में उनकी छाई पर छाई शीशा में सब कुछ दिखाता जो बहुत नुकसानदायक मानो वास्तु के हिसाब से शास्त्र सम्म भी नहीं है तो अगर ऐसा पलंग के सामने कोई के शीशा रखो तो वह अलग कर दो या फिर वह ढाक के हो तो लेट हो नहीं तो इसमें बड़े नुकसान होते हैं एक और चीज़ आई है कि कौन दिन का चीज़ नहीं खाने कहाँ खाने ई के लेके बड़ी विविधान हाथ तो का खाने जो तो कछु हम नहीं बता रहे का खाए में तो इतनी चीज़ें हैं कि चाय तो खा लो लेकिन का नहीं खाने कौन दिन जो पंद्रह दिन की हम चीज़ें बता रहे हैं और महिलाओं से हमारा विशेष निवेदन है माता बहन भिन्नुन से भाइयन से कि जा चीज मजाक में ना ली हो गंभीरता से लेने हम बताएं हमारा शरीर केमिकल से बन है पूरे केमिकल को प्रभाव रहा है और समय काल परिस्थिति के हिसाब से बात पित्त कव जो तीन जो चीज़ें रहती इको अगर असंतुलन हो तो आदमी बीमार होते हैं अलग अलग हुए समस्याएं पैदा होती हैं तो बात पित्त कव के संतुलन के लाने खावे में कैसी चीज़ें वर्जित मानी गई हैं तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पंद्रह दिन के बीच भीतर का का चीज़ खाने का नहीं खाने जो हम बता रहे हैं हमें लिख के रखो और जो चार्ट भी महिला बना ले अपनी रसोई में लगा लें कि परमा हो जो पूर्णिमा को तो अपन कहा था परमा के दिन कद्दू नहीं खाने हैं घर में कद्दू बनाने ही नहीं है परमा के बाद द्वितीय हो द्वितीय के दिन छोटे वाले बैगन हो तो करिया वाले छोटे बैगन उनकी सब्जी नहीं बगाना ना खाने हैं तृतीय के दिन परवल नहीं खाने जीप चाट बना कर के रख लो चतुर्थी के दिन मूली को सेवन करो बहुत वर्जित मानो अगर कोई खाते तो वह भाई विकार अलग अलग दोष होते हैं पंचमी के दिन बेल हो जो बेल बेल को सर्वत्या बेल नहीं खाने पीने इको को कशु नहीं करने छठवी के दिन नीम की ना तो दतौन तोड़ने आ ना नीम की दोतौन करने है सप्तमी के दिन जो तो ताड़ हो ताड़ को फल नहीं खाने अष्टमी के दिन नारियल को सेवन नहीं करने चाहे को खूब प्रसाद में जाए जाएगा भैया नारियल खा लो तो बिल्कुल नहीं खाना धल लेने अगले दिन चाहे खा लियो हो नौवीं के दिन लौकी नहीं खाने दसवीं के दिन भैया परवल नहीं खाने एकादशी के चावल खा वो बिल्कुल बढ़जे थे भैया बिल्कुल खाने ही नहीं हैं द्वादशी के पोई की भाजी नहीं खाने त्रयोदशी के बैगन नहीं खाने बड़े वाले भटार भरता बनाए तो ना नहीं खाने त्रयोदशी के चतुर्थ चतुर्दशी के तीली को तेल लगावो खावो और लाल साग लाल कलर की कौन भी सब्जी हो चाहे टमाटर हो वा नहीं खाने अमावस्या के दिन स्त्री को सत्संग सहवास कर वो बर्जित मान होगा ई दिन इस चीज़ से बचने हैं और ई नहीं तो पुत्र धन की हानि कई प्रकार की हानि बताई गई है शास्त्र में भैया तो आज गुरु के ज्ञान में इतना ही है भैया ई के अलावा हम जो बताएं दसवीं और ग्यारह के काका नहीं खाने ग्यारहस के दिन भी भैया बहुत सारी चीज़ें बढ़ हैं थे खास कर आदमी ये चीज़ को ध्यान रखें कि वह है सोने है जगने है उठने है फिर उठ जाना सो जाना कब खाने दिक्कत इसे से हो रही बीमारी से हो रहा खावे के समय में आदमी सोलो सोलो के समय में जगड़ो जग के समय खा रहा हो जाने काका हो है सूर्योदय के पहले उठो सूर्य के बाद अंतव करके और फिर भैया सो जाओ सही टाइम पे समय पे खावो समय पे परवो जो बहुत उचित मानो को सास संबंधी मानो को यही से कही गई भैया उठ के समय सूरज के अर्घ्य जो ईगो प्रभाव जो हम पड़ते वो जो होते हैं कि सूर्य के, सूर के अर्घ्य देवे से आदमी अगर वंचित हो रहा तो जो मान चलिए उनके जीवन में बीमारी आने हैं तो भैया गुरु के ज्ञान में आ इतना ही हम फिर अगले हफ्ते जो ज्ञान लेके आवी तब तक कलाने राम राम जय गुरुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा भैया राम राम Thank you.